हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 संज्ञा। संज्ञा आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, मतलब बहुत सारी क्लासेस से, मीन्स 4th, 5th, 6th, 7th से लगातार। आई थिंक संज्ञा आपको पहले से भी क्लियर होगी। एक बार मैं फिर पढ़ा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ संज्ञा है क्या। तो संज्ञा का अर्थ, जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि संज्ञा का अर्थ क्या है, तो संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम, राइट? संज्ञा का अर्थ है नाम, मतलब जो भी नाम है संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, सभी का एक नाम होता है, राइट? नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और जैसे हाँ, आम में मिठास है, चाबी का गुच्छा मेज पर है, फूलों की सुंदरता अद्भुत है। उपरोक्त वाक्यों में आम, मिठास, चाबी, गुच्छा, मेज, फूलों तथा सुंदरता किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम हैं, ठीक है? तो ये क्या है? अतः ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आती है डेफिनेशन की बात की, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन आपकी बनेगी ये, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से आंसर इसका निकालेंगे, ठीक है? आंसर क्या है ये? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, क्लियर? अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, क्लियर? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर हम चलते हैं अगर, तो इसको समझने के लिए देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का, इनके लिए अगर वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक विशेष व्यक्ति को इंगित करते हैं या विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति थे कौन? थे अब्दुल कलाम, ये व्यक्ति विशेष है। परिवेश हिंदी की पुस्तक है। अब पुस्तक जो है एक विशेष पुस्तक है, परिवेश इसका नाम है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति, मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी का नाम, जैसे नदी है। अब नदी जो है, सोचने की बात है, नदी जो है, नदी कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अगर हम इस नदी को नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने कहा गंगा, तो गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। क्या बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी किसी विशेष, एक ही तो नदी है गंगा, गंगा कई 10-15 नदियाँ तो हैं नहीं, लेकिन नदियाँ बहुत सारी हैं, तो नदी हो गई जातिवाचक संज्ञा, को जो समस्त नदी जाति को इंगित करती है, समस्त नदी जाति का बोध कराती है। किंतु गंगा एक विशेष नदी का बोध कराती है, इसलिए ये हो गई आपकी, क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट? क्या हो गई गंगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब ये जो हमने पढ़े ना, ये परिवेश हिंदी की पुस्तक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। रामचरितमानस भी एक विशेष पुस्तक है और तुलसीदास जी ने लिखी, तुलसीदास का नाम भी विशेष है, क्लियर? अब आगे देखते हैं, ऊपर लिखे वाक्यों में अब्दुल कलाम, भारत, परिवेश, रामचरित मानस और तुलसीदास, ये सभी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? अब जातिवाचक संज्ञा आती है, तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी नदी के बारे में आपको बताया था कि नदी पूरी समस्त जाति का बोध कराती है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी नदी का हम नाम दे देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या बनती है? जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ एक जाति है, इन चिड़ियों की जाति में क्या आता है? अब चिड़ियाँ कौआ भी हो सकता है, गौरैया भी हो सकती है, काबर भी हो सकती है,
और भी बहुत सारी चिड़ियाँ, बुलबुल है, तो ये चिड़ियों की जाति है। अगर हम, कौआ उड़ रहा है, बुलबुल उड़ रही है, बुलबुल बैठी है, कोयल बैठी है, कोयल गा रही है, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़िया जातिवाचक संज्ञा। लड़का पतंग उड़ा रहा, लड़का कोई नाम तो है नहीं, लड़के तो बहुत सारे, लड़का जाति है पूरी, तो लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा। राजा, बहुत सारे राजा हुए हैं, कवि भी बहुत सारे हुए हैं, तो ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा, राइट। अब देखिए, अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पिछले पृष्ठ पर दिए वाक्यों में चिड़िया, लड़का, पतंग, राजा और कवि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे इनकी जाति का बोध होता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं देखिए क्या क्या हैं। जो कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो क्या हैं? वस्तु, मेज, कुर्सी, पेड़, रेडियो, पुस्तक। फिर प्राणी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, शेर, पक्षी, तोता, सैनिक। स्थान, शहर, गांव, देश, दुनिया, नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि, राइट। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा या का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हो सकता है? कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है। पर्याय मतलब समझते हो? किसी किसी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, उसके लिए, जैसे ये तो यहाँ ये दिया जा रहा है, इनके अलावा मैं आपको बताती हूँ। जैसे विभीषण थे, मंथरा थी, कैकेयी थी। अब अगर मंथरा किस लिए फेमस थी? कि मंथरा इधर उधर की लगाने वाली, किसी को मतलब रानी को उन्होंने, कैकेयी को दुर्बुद्धि दी, कुबुद्धि दी, जिससे उनका सारा सब कुछ, उनके परिवार का नाश हुआ। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, उसके पीछे कौन था? मंथरा ही तो थी। तो मंथरा हुई, विभीषण, विभीषण अपने घर को छोड़ करके बाहर चले गए श्री राम जी की शरण में। तो विभीषण अगर नहीं बताते तो रावण का वध संभव नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। हरिश्चंद्र किस लिए फेमस थे? सच्चाई और ईमानदारी के लिए, ठीक है। धन के लालच में आज भी कुछ जयचंद बन जाते हैं। जयचंद ने क्या किया था? धन और धन का मतलब, जयचंद बहुत लालची आदमी था, लालची राजा था, तो ये लालच के लिए फेमस था। ये हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए फेमस थे, सत्य बोलते थे। विभीषण घर का ही भेद बताने के लिए फेमस, कैकेयी और मंथरा इस तरह से घर में, परिवार में विघटन डालने के लिए सूचक थी। तो इन सबसे लेकर के इन सबको अब हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। मतलब उन समस्त व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति जो घर को, घर में फूटन डालते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो घर में ही बर्बाद करते हैं घर परिवार को, उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब ये होगी आपकी, एक सेकेंड, ये देखिए भाववाचक संज्ञा मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले तो यही देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, जयचंद तक हमने करा दिया था, अब आप देखिए, अभी उपरोक्त वाक्यों में हरिश्चंद्रों, जयचंद के मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पर इनके प्रयोग क्रमशः ईमानदारी के लिए और गद्दारी के लिए, मैंने बोला था ना आपको, उनके लिए हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उस समय वे किसी जाति का बोध न करा के किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। कैसे? महात्मा जी ने देश को सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब महात्मा जी, वैसे तो संसार में बहुत सारे महात्मा जी हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा का पाठ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने पढ़ाया था, वो कौन थे? महात्मा गांधी जी, इसलिए इन्हें महात्मा जी का दर्जा दिया गया है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई ना, सॉरी महात्मा जी क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई, लेकिन इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब नेताजी, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेताजी शब्द केवल एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर विशेष व्यक्ति को संबोधित करता है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। पंडित जी, पंडित जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। अब वो
वो पंडित जी पंडित जाति है, लेकिन पंडित जी चाचा नेहरू कहते थे। अब पंडित जी किस रूप में फेमस थे? चाचा नेहरू के रूप में, और चाचा नेहरू तो एक ही थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन वाक्यों में नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ ये व्यक्ति विशेष का बोध करा रही हैं, इसलिए यहाँ इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञाएं कैसे परिवर्तित होती है, हमने आपको आज बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको भाववाचक संज्ञा बताएंगे, और भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, ऐसे आपको कन्वर्ट करना बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप इस चीज़ को, इस जो संज्ञाएं जो मैंने दो कराई हैं ना, इन संज्ञाओं का अभ्यास कर लीजिएगा। ओके, टिल देन गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।